भारत में प्रत्येक वर्ष 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह आतंकवाद का मुकाबला करने और समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के महत्व की याद दिलाता है। यह दिन पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सम्मान में मनाया जाता है, जिनकी 21 मई 1991 को एक आतंकवादी हमले में हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी 40 साल की उम्र में सत्ता में आए। राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री। 21 मई 1991 को श्री पेरम्बुदूर, तमिलनाडु में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम की एक महिला सदस्य द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। एक बम वर्षक ने उनके पैर छुए और एक विस्फोट हुआ जिससे राजीव गांधी की मृत्यु हो गई। वीपी सिंह की सरकार ने घोषणा की 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस का उद्देश्य आतंकवाद के विनाशकारी परिणामों और इस वैश्विक खतरे के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता के बारे में आम जनता में जागरूकता पैदा करना है। यह व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों को शांति, सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देकर आतंकवाद का मुकाबला करने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस दिन आतंकवाद, इसके कारणों और समाज पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशाला और सार्वजनिक चर्चा सहित देश भर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। सरकारी एजेंसियां, गैर सरकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थान और अन्य हितधारक आतंकवाद से लड़ने में एकता और सतर्कता के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का एक अवसर है। वे विशेष कार्यक्रम, अभ्यास और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने, खुफिया जानकारी एकत्र करने और आतंकवाद विरोधी रणनीतियों के लिए पहल कर सकते हैं। यह दिन आतंकवाद के कृत्यों में मारे गए सभी निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में भी कार्य करता है। यह हमें किसी भी प्रकार की हिंसा, घृणा या अतिवाद के खिलाफ हरचीला और एकजुट रहने की आवश्यकता की याद दिलाता है, जो हमारी शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। कुल मिलाकर भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस जागरूकता बढ़ाने, एकता को बढ़ावा देने और समाज से आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह एक सामंजस्यपूर्ण और समावेशी राष्ट्र के निर्माण के महत्व पर प्रकाश डालता है, जहां हर नागरिक शांति और सुरक्षा में रह सकता है।